हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ टमाटर ले लिए हैं, और ये थोड़ा देख कर लीजिएगा रेड वाली। तो मैं पूरे टमाटर का नहीं बनाऊंगी, इसका हाफ ले लूंगी। और इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कटोरी के करीब गुड़, और 1/4 कटोरी के करीब चीनी। तो चलिए पहले टमाटर को धोकर काट लेते हैं। कढ़ाही में 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा, सौंफ 1/2 चम्मच, 2 रेड चिली, 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी अजवाइन। अब इसे अच्छी तरह से चटकने देते हैं। खड़े मसाले चटक गए थे, तो इसमें हम टमाटर डाल दिए हैं। 1/2 केजी से ज़्यादा टमाटर है। और इस चटनी को बनाने के लिए लाल टमाटर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 पिंच के करीब, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और नमक डालने के बाद टमाटर पानी भी छोड़ेगा। अब इसे ढककर पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने लगा और इसमें पानी भी छोड़ा था, तो अब हम इसे खुले में पकाएंगे। इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। अब इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स कर लिए हैं। अब यहीं पर गुड़ और चीनी भी इसमें डाल देंगे। चीनी डाल देते हैं। टमाटर का पानी जब सूख जाए तभी चीनी डालिएगा, नहीं तो टमाटर जो है वो ठीक से पकेंगे नहीं। चीनी डाल दिए हैं। अब डाल देते हैं गुड़। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चीनी और गुड़ को पिघलने तक इसे पका लेंगे। और इसकी मदद से इसे थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे, ताकि टमाटर थोड़े मैश हो जाएं। इस तरह से ये देखिए गुड़ भी पिघल गया है, और बहुत ही सुंदर कलर भी आया है। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। चीनी और गुड़ अच्छी तरह से पिघल गए हैं। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स।